नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED तृतीय सेमेस्टर 2023 कंप्यूटर का पेपर। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई 2023 को कैसा कंप्यूटर का पेपर आएगा, सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक बात आपको बता दें, अगर आप लोग को पास होना रहा करे तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन कभी मत छोड़ा करिए। 14 नंबर के आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा आप गलत भी लिख देंगे तो कुछ अंक आपको मिल जाएगा, हो सकता है आधा ही नंबर मिल जाए, मिल जाएगा। लेकिन अति लघु उत्तरी में गलत लिखेंगे, सीधे आपको 0 नंबर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न क्या रहा है कि सूचना का क्या अर्थ है। सूचना का अर्थ देखते हैं कि प्राचीन काल में सूचना एक सामान्य शब्द था जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संदेशों तक सीमित था। इसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा के इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बताना, जानकारी, सूचना, समाचार तथा ज्ञान आदि शब्दों से लिया जाता है। अर्थात सूचना का अभिप्राय उस उपयोगी ज्ञान से जो मानव समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मतलब सूचना की परिभाषा दीजिए। तो इसके देखिए कई जो परिभाषाएं वो निम्न प्रकार से हैं। पहले दोस्तों कार्टर के द्वारा सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति विषय व स्थान विषय के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। दूसरा दोस्तों डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा है, सूचना के गुणों का उल्लेख करना है। सूचना में निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला दोस्तों होता है आपका शुद्धता। शुद्धता से हमारा अभिप्राय यह है कि सूचना जिस डेटा पर आधारित हो वह सटीक एवं शुद्ध हो। शुद्ध सूचना किसी के दबाव में तोड़ मड़ोड़ कर गलत ढंग से प्रदान नहीं की गई हो। शुद्ध सूचना की अपनी निर्णायक भूमिका होती है। दूसरा दोस्तों समय से, यदि प्राप्तकर्ता को आवश्यकता अनुसार समय से सूचना प्राप्त हो जाती है तो वह उचित निर्णय लेने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए समाचार पत्रों में प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव निवेशकों एवं ब्रोकरों को शेयर बेचने खरीदने में सहायक होते हैं। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका अर्थपूर्ण। सूचना अर्थपूर्ण और विषय के अनुरूप हुई होनी चाहिए ताकि वह उपयोगी सिद्ध हो सके। चौथा दोस्तों होता है संक्षिप्तता। मतलब देखिए, संक्षिप्तता में सूचना का महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी सूचना बहुत विस्तारित ना होकर अनिवार्य रूप से संक्षिप्त ही होनी चाहिए। पांचवा है आपका उपलब्धता। सूचना हमें कम से कम समय त्वरित रूप में या उपलब्ध रहनी चाहिए। जब भी हमें सूचना के आधार पर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो यदि वह तुरंत कम से कम समय में उपलब्ध होगी तो उस पर आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी, अन्यथा हमें सूचना प्राप्त करने का ही इंतजार करना पड़ सकता है। छठा दोस्तों आपका आता है अनुरूपता। देखिए, अनुरूपता का अर्थ है कि यदि कोई सूचना एक छात्र से संबंधित है तो वह दूसरे छात्र के लिए अनुरूप नहीं हो सकती, उसकी सूचना पहले छात्र से बिल्कुल भिन्न होगी। सातवां दोस्त आपका पर्याप्तता। देखिए, पर्याप्तता सूचना का अंतिम महत्वपूर्ण गुण है। जो भी सूचना का एकत्र की जाए वह पर्याप्त होनी चाहिए और उस समूह की सभी सूचनाएं एक जैसी पर्याप्त होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि संचार का क्या अर्थ है। देखिए, संचार का अर्थ हम लोग देखते हैं। संचार से आशय शब्दों, पत्रों, सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मितियों के विनिमय से होता है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है। देखिए, संचार को विस्तृत रूप से मानवीय पहलुओं के मध्य अर्थपूर्ण बातों का विनिमय करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। विशिष्टतया यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानवीय पहलुओं के मध्य समझ को पहुंचाया जाता है तथा अर्थों को समझा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना यह प्रक्रिया संचालित नहीं हो सकती। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि संचार क्या अवधारणा क्या है। देखिए, संचार या संप्रेषण का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान से है। वर्तमान समय में तार, टेलीफोन, टेलीविजन तथा रेडियो आदि ने विचारों के संप्रेषण को अधिक सुलभ बना दिया है, परंतु ये सभी साधन स्वयं संचार संप्रेषण नहीं है। देखिए, चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार संचार से आते मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से, न कि टेलीफोन, तार, टेलीविजन, रेडियो आदि तकनीकी साधनों से है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सफल संचार संप्रेषण हेतु सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला विषय वस्तु का एक अर्थ बोध करने में सक्षम हो सके। किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कह देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि
आवश्यकता इस बात की भी होती है कि वह सूचना पाने वाला भी सूचना को उसी प्रकार प्राप्त करे एवं उसका वही अर्थ लगाए जो सूचना देने वाले का हो। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि संचार की विशेषताओं को वर्णन करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ हेडिंग तो बता देते, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर के आते हैं। अगर आपको हेडिंग तैयार रहेंगे तो आप उसके अंदर बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहला दोस्तों क्या होगा, संचार की विशेषताओं में कि स्पष्टता का सिद्धांत होता है। फिर दोस्तों दूसरा होता है कि ध्यानाकर्षण का सिद्धांत। तीसरा संगतता का सिद्धांत। चौथा उचित प्रसारण का सिद्धांत। आप अगर हेडिंग से याद रखेंगे तो आप इसके अंदर का बना के डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि विद्यालय प्रबंध में, ठीक ना, प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्या लाभ है इसको बताना है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाती जा रही है। प्राय विद्यालय प्रबंध विकेंद्रीयकरण, ठीक है ना, तथा लोकतांत्रिकता पर आधारित होता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्या क्या लाभ हो रहे हैं इसको यहाँ हम अग्रलिखित तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। पहले देखिए दोस्तों, पहला बिंदु जो हमारा था कि संसाधनों के समन्वय में सहायक होती है, आप इसके अंदर बना के लिखेंगे, हेडिंग से याद करते चलिए। दूसरा, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना होता है। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चौथा दोस्तों, आपको विचारों की स्वतंत्रता होती है। पांचवा, समानता लाना। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, प्रौद्योगिकी से क्या अभिप्राय आपको ये बताना है। देखिए, प्रौद्योगिकी या तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ है। तकनीकी से आशय है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी शब्द को प्राय मशीन या मशीन से संबंधित प्रत्ययों से जोड़ा जाता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि इसका संबंध किसी मशीन से हो। तकनीकी का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा शब्द टेक्सर है। इसका अभिप्राय बुनना या निर्माण करना होता है। अतः तात्पर्य स्वरूप कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों के प्रयोगात्मक रूप का ही तकनीक या विज्ञान है। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोगी साधन कौन कौन से, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस साधन में आता है आपका इंटरनेट, आप इसको लिख सकते हैं बनाकर, इंटरनेट क्या होता है, वीडियो डिस्क क्या होती है। तीसरा दोस्तों कंप्यूटर हो गया। चौथा आपका आता है दूरदर्शन। पांचवा आपका आता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। छठा आता है दोस्तों आपका रेडियो। सातवां आता है आपका विभिन्न उपग्रह या सैटेलाइट। ठीक है, देखिए आप मेन हेडिंग याद रखें तो उसके अंदर का आप बना के डेफिनेटली लिख सकते हैं पेपर में। फिर आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शिक्षा के किन क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी हेडिंग आती है सूचना संवाहन। देखिए, सूचना का महत्व तभी है जब वह सूचना उचित समय पर उचित व्यक्ति के पास पहुंच जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने इस कार्य को अपने सूचना संवहन तंत्र के द्वारा सुलभ बना दिया है। अगला दोस्तों बिंदु आता है शैक्षिक नीति निर्धारण। देखिए, शिक्षा नीति का निर्धारण वर्तमान के आधारशिला पर भविष्य के लिए किया जाता है। भविष्य में संचार प्रौद्योगिकी की क्या मतलब उपयोगिता होगी, शिक्षा के उपागमों को कहाँ तक प्रभावित करने के लिए शिक्षा की नीतियों का सृजन किया जाता है ताकि विकासशील संसार में देश पिछड़ ना। ठीक है, तो वर्तमान में पूरा संसार एक गांव की तरह सभी की पहुंच में, इस अवधारणा के विकास के लिए शैक्षिक नीतियां बनाने में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों आपका बिंदु आता है परीक्षा मूल्यांकन। देखिए, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की परीक्षा एवं मूल्यांकन में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ने व्यापक परिवर्तन कर दिया है। आप परीक्षा के लिए परंपरागत आवेदन पत्रों की जगह OMR का प्रयोग, परीक्षा के स्थान पर उत्तर पुस्तिकाओं की कंप्यूटर से जांच, वस्तुनिष्ठ पत्रों का चलन, इंटरनेट द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा, परीक्षा मूल्यांकन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट आता है उसको देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन। वर्तमान शैक्षिक प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इतना उपयोग किया जा रहा है कि सभी सूचनाओं आंकड़ों का निर्माण तथा प्रेषण कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। अगला बिंदु दोस्तों पाठ्यक्रम निर्धारण मतलब निर्माण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पाठ्यक्रम निर्माण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण अपरिहार्य हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, आपको ये समझाना है। देखिए, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है DLED 2017 और 18 में। तो वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने शिक्षा के स्वरूप को व्यापक बना दिया है। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री को छात्रों तक पहुंचाती है, उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विद्या के नाम से जाना जाता है। आज के शैक्षिक परिवेश में
प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक शंकाओं समस्याओं का समाधान नवीन तकनीकी के माध्यम द्वारा घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है। इस कार्य को इंटरनेट एवं कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज के तकनीकी युग में छात्र विभिन्न प्रकार के मतलब साधनों का उपयोग कर रहा है। यहाँ वह साधन कौन कौन से हैं देखिए, पहले समझिए। वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञानार्जन, लिंक्डइन सर्विस की सहायता से ज्ञानार्जन, इस सेवा का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी वेबसाइट लिंक्डइन है। यह सेवा प्रभावी रूप से 20 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से ज्ञानार्जन की सामग्री को प्राप्त किया जा रहा है। इसका प्रधान कार्यालय कैलिफोर्निया में है तथा वर्तमान में इस सेवा का उपयोग मोबाइल फोनों द्वारा भी किया जा रहा है। ट्विटर पर शैक्षिक उपयोग, फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञानार्जन, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है और इसे परिभाषित करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ व परिभाषा देखते हैं कि कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरेस से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गणना करना अथवा गिनती करना। आज कंप्यूटर को एक नवीन प्रविधि माना गया है, जिसके द्वारा अंकगणित तथा तर्कसंगत क्रियाओं को संग्रह किया जाता है। कंप्यूटर एक विद्युतीय विधि है, जिसके अंतर्गत निवेश के रूप में क्रियाएं दी जाती है जो निर्गत या अपेक्षित उपलब्धि प्रदान करती है। कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक इनपुट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन डिवाइस्ड फॉर्म। अतः कंप्यूटर को निम्न परिभाषा द्वारा अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा को दोस्तों, कि कंप्यूटर एक ऐसी विद्युतीय विधि है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करके परिणामों को विश्वसनीय तथा वैध रूप में प्रस्तुत करती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, आपको ये बताना है। तो देखिए प्रभावी शिक्षण कार्य कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, परीक्षाफल एवं अन्य विषयों से संबंधित आंकड़ों को सार्थक बनाने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या है। कंप्यूटर का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला दोस्तों बिंदुओं के छात्रों के अभिलेखों को रखने के लिए, वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, छात्रों को बिलों को भुगतान के लिए, छात्रों के प्राप्तांकों को भेजने के लिए तथा अंक तालिका बनाने के लिए। पांचवा कि छात्रों की उपस्थिति तथा शिक्षकों के अवकाश से संबंधित आलेखों की फाइलों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए। फिर दूसरा दोस्तों आता है आपका शिक्षण परिस्थितियों में, कि देखते हैं पहला पॉइंट कि छात्र के पंजीकरण के लिए पूर्व परीक्षण की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत कार्यक्रम का नियोजन एवं मुद्रण करना, छात्रों को विकास के लिए निर्देशन देना। चौथा बिंदु के प्राप्तांकों एवं परीक्षणों को प्रयोग में लाना नए पाठ्यक्रम के विकास के लिए। फिर अगला बिंदु दोस्तों के अनुसंधान कार्यों में, शिक्षा के शोध कार्यों में प्रदत्तों के विश्लेषण में सभी अनुसंधानकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। इसके द्वारा विशाल प्रदत्तों का विश्लेषण कुछ घंटों में हो जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध होते हैं। चौथा बिंदु है दूरस्थ शिक्षा में। देखिए दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं, स्थानीय प्रयोग एवं प्रसारण का प्रयोग। स्थानीय प्रयोग या परिखीय कंप्यूटर एक स्वतंत्र प्रारूप के रूप में अपने शिक्षार्थी का अपने ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रेखीय कंप्यूटर प्रणाली में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तथा दूसरे को तीसरे से संबंधित किया जाता है। इसके बाद इन युक्तियों के मध्य क्रियाओं का संचालन किया जाता है। कंप्यूटर के आंतरिक संबंध से एक मिश्रित अधिगम कार्यक्रम तैयार किया जाता है तथा उसका संबंध केंद्रीय संस्था एवं शिक्षक से रखा जाता है। फिर पांचवा दोस्तों बिंदु आता है शैक्षिक परियोजना में। देखिए हम आपको हेडिंग तो बता देते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, तो इतना सफिशियंट होगा आपको लिखने के लिए। फिर शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में, ठीक है, इसके बाद इसमें आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट वस्तुतः एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग सेवा है, जिसको सूचना जगत में आधुनिकतम तीव्रतम माध्यम के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट दो प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता होती है, पहला सर्वर और ग्राहक। संक्षेप में सर्वर वे प्रोग्राम होते हैं जो साधन प्रदान करते हैं तथा ग्राहक वे होते हैं जो इन साधनों का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर कोई भी वार्ता कर सकता है, बशर्ते उसके पास एक पर्सनल कंप्यूटर, एक मॉडम तथा एक टेलीफोन होना चाहिए। साथ ही संबंधित आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी होना आवश्यक है। मॉडम के द्वारा कंप्यूटर का संबंध सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा दूसरे कंप्यूटर, ठीक है ना, के साथ स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट को मोटे तौर पर कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक प्रोटोकॉल सूचना के आदान प्रदान संबंधी नियम के जरिए संचार कहते हैं।
इंटरनेट के माध्यम से सर्वाधिक विविध स्रोतों से सूचनाओं तक पहुंचता है, जिसमें व्यक्तियों और विश्व भर के संगठनों का योगदान होता है। उन्हें नेटवर्क और ऑफ सर्वर यानी सेवकों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट का एक वर्ल्ड वाइड वेब, जी हाँ दोस्तों, आप WW पहले इसका बहुत यूज होता था, अब उतना नहीं होता है, जिसे मात्र वेब भी कहा जाता है, जो विभिन्न संगठन, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, आम या खास हितों से संबंध समूहों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हजारों सर्वर को आपस में जोड़ता है। सर्वर पर भरे गए वेब पृष्ठों में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे पाठ सामग्री, तस्वीर, एनिमेशन, मल्टीमीडिया आदि। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं कि इंटरनेट सेवा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इंटरनेट सेवा की प्रमुख विशेषता है निम्नलिखित है। तो इंटरनेट में एक स्थान से अनेक स्थानों का प्रसारण संचार की अपेक्षा बिंदु से बिंदु तक संचरित होता है। इसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही शीघ्रता से बिना किसी त्रुटि के किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इंटरनेट विश्व की नेटवर्किंग प्रक्रिया को संचालित करता है। इंटरनेट संचार के समस्त बहु नेटवर्कों का समूह है, जैसे स्थानीय नेटवर्क, शैक्षिक नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क आदि। फिर तीसरा बिंदु है दोस्तों हमारा कि एक सर्वर से अन्य के बीच हाइपर लिंकिंग सुविधा, जिसमें एक शब्द क्लिक करके उपयोगकर्ता विश्व के किसी भी स्थान तक सीधे आंकड़े के स्रोत तक पहुंच सकता है। फिर चौथा बिंदु दोस्तों, इंटरनेट की सहायता से मानव संचार व्यवस्था को सरल, सरल व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। पांचवा कि बड़ी मात्रा में आंकड़ों की खोज में सहायक है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व विकास संबंधी संपूर्ण आंकड़ों की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के क्या कार्य हैं, इसके कार्य को चलिए देखते हैं। विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्राप्त करना, संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण नोट्स का आदान प्रदान करना। जैसे दोस्तों इस समय आप लोग वीडियो हमारी देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ फायदा मिले कंप्यूटर की वीडियो देखने से। फिर व्यापारिक समझौते करना, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण, समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। फिर छठा बिंदु, वैज्ञानिक शोध पर कोलैबोरेशन करना, विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारियों को उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। फिर अगला बिंदु दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। वर्तमान समय संचार तकनीकी का युग है, आज प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए इंटरनेट सुविधा का प्रयोग कर रहा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक जगत में, गृह परिवेश के क्षेत्र में, संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सूचना संप्राप्ति के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों इनके बिंदु हम देखते हैं इंटरनेट की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होती है। तो दोस्तों हमारा पहला बिंदु आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की आवश्यकता, देखिए इसको आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके 2 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, ये बात समझना। फिर दोस्तों अगला बिंदु हमारा, आपको हेडिंग हेडिंग हम बता देते हैं, व्यावसायिक जगत में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा बिंदु की गृह परिवेश के क्षेत्र में इंटरनेट की आवश्यकता। चौथा है कि संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। पांचवा है कि सूचना संप्राप्ति के क्षेत्र में। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी आपको ये बताना है। तो इसकी प्रमुख सेवाएं दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले ईमेल। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी तो सबके पास होगी। तो ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय है डाक मेल, ठीक है ना, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। ईमेल इंटरनेट के प्रयोग का महत्वपूर्ण आयाम है। ईमेल सुविधा संचार के अन्य साधनों की अपेक्षा संदेश को तीव्रता से एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह को संप्रेषित करती है। इस प्रणाली के से उपग्रह के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित होता है। दूसरा कि फाइलों का स्थानांतरण होता है, FTP। जी हाँ दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइलों का हस्तांतरण प्रोटोकॉल के नियम या कार्य प्रणाली का सेट कहा जाता है। जितनी भी सेवा इंटरनेट में उपलब्ध है सभी प्रोटोकॉल के अनुसार चलती है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका FTP, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाने वाली सेवा है। FTP की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से भेजा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेवा की सहायता से हम होस्ट से कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और होस्ट सर्विस का कोई फाइल भी भेज सकते हैं। FTP से तात्पर्य लाइव के ट्रांसफर करने से, जी हाँ दोस्तों लाइव में ट्रांसफर होता है। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करने के लिए हमें अपने यूजर नेम, अकाउंट एवं आईडी से रिमोट होस्ट लॉगिन होना पड़ता है। फिर तीसरा बिंदु इंटरनेट रिलेटेड हो गया दोस्तों। फिर अपना आता है आपका टेलनेट, इसको दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। टेलनेट सेवा का उपयोग करके आप कहीं दूर दराज में स्थित कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जो कि कहीं दूर अव्यवस्थित है, को भी टेलनेट के माध्यम से उसको संचालित किया जा सकता है। फिर
फिर दोस्तों बारी आती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, या ठीक है ना, वर्ल्ड वेबसाइट, www। वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इसे आरंभ की फाइल अथवा होम पेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है, इसको देखते हैं कि विकिपीडिया। जी हाँ दोस्तों, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकिपीडिया क्या है। देखिए, यह शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इस सेवा द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने से संबंधित भरसक प्रयास किए जाते हैं। इस वेबसाइट की तकनीकी सुविधाओं द्वारा शिक्षा जगत से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने की चेष्टा की जाती है। इसके द्वारा विकिपीडिया सॉफ्टवेयर की खोज की गई है, जो कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट सामग्री में जोड़ा जा सकता है। पृष्ठों को जोड़ने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। विकिपीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक वेबसाइटों की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में तथा उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान के प्रबंध के क्षेत्र में भी विकिपीडिया वेबसाइट का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकिपीडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं, अथवा शिक्षक के उपयोग में आने वाली मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2017-18 में आ चुका है, ये क्वेश्चन वेब पोर्टल के ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे कि मुक्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन निम्न प्रकार के हैं। पहला दोस्तों आता है आपका ई बुक्स, वह पुस्तकें जो किसी विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्त की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती है। उन पुस्तकों के प्रयोग से छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री एकत्रित कर सकता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। फिर दूसरा दोस्तों आता है आपका वेब पोर्टल, वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज से है जिन्होंने विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको गूगल का, ठीक है ना दोस्तों, google.com समझ रहे होंगे आप लोग, गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम गूगल टाइप करेंगे। इसके पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये विकल्प स्टॉक, मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाएं एवं आंकड़े आदि से संबंधित होंगे। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो उस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य वेबसाइटों के वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण आपके याहू और गूगल हैं, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ होता है। तो आप लोग काफी ऐसे ऑनलाइन चैटिंग करते होंगे, तो इसके लाभ चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहले शायद आपको ना पता हो इसके लाभ क्या क्या है। इस प्रक्रिया से शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि यह इसके मुख्य तत्व है। दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में व्यक्ति देशों में बैठे अपने संबंधित एवं शिक्षा साथियों से दृश्य रूप के समान वार्तालाप कर सकता है। तीसरा बिंदु, ऑनलाइन चैटिंग से व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान भी प्राप्त होता है। चौथा बिंदु, ऑनलाइन चैटिंग से व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं, उन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया का वर्णन करना है, तो इसका उत्तर दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए, शिक्षा का स्तर इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसमें नित्य रोज पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं, जिनके समाधान हेतु शिक्षकों को सुदूर स्थित विषय विशेषज्ञों के विचारों, ज्ञान व समर्थनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त संचार के मुख्य साधन इंटरनेट की सहायता द्वारा शिक्षक किसी दूसरे राज्य या देश में बैठे विषय विशेषज्ञ से संचार माध्यम स्थापित कर सकता है। इस संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दोनों ही व्यक्तियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इंटरनेट सेवा का होना आवश्यक है। वैसे दोस्तों आजकल मोबाइल फोन से भी हो जाता है, आपको पता होगा। तो इस प्रक्रिया में शिक्षक सर्वप्रथम अपनी समस्या को टाइप करके या, ठीक है ना, ईमेल या याहू के माध्यम से विशेषज्ञों, ठीक है ना, के पास भेजता है, जिसके लिए शिक्षक को विशेषज्ञ की आईडी का संज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ प्रश्न को प्राप्त करके अपने विचार या तथ्यों को उत्तर रूप में टाइप करके शिक्षक को ईमेल, ठीक है, एड्रेस पर पुनः भेज देता है। यह प्रक्रिया वैसे तो कम समय में ही पूर्ण हो जाती है, जो भी समय व्यतीत होता है
वह मात्र प्रश्न को पढ़ने व उसका उत्तर टाइप करने में व्यय होता है। यह प्रक्रिया शीघ्रता के साथ साथ मित व्यय भी है। इस प्रक्रिया में शिक्षक एक साथ कई विषय विशेषज्ञों के साथ भी जुड़ सकता है। इस प्रक्रिया को इंटरनेट वीडियो चैटिंग के माध्यम से दृश्य रूप में भी संपूर्ण किया जा सकता है, जिसका मुख्य उदाहरण रिले चैट सुविधा है। फिर आज का अगला प्रश्न कि डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से, आपको ये बताना है। तो चलिए इसके साधन देखते हैं। पहला ई बुक्स होता है, फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ई अनुवर्गों का प्रयोग हो गया, प्रशिक्षण वीडियो का प्रयोग। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ई अनुवर्ग क्या होता है, यह इसका प्रयोग बताना है। तो शिक्षक, ठीक है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग अति उच्च स्थान रखता है। इस अनुवर्ग में बच्चों को छोटे छोटे समूहों में रखकर शैक्षिक पठन पाठन के कार्य को कराया जाता है। अनुवर्ग शिक्षण में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक को समूहों में शिक्षण कार्य बदल बदल कर कराया जाता है। इसे नई तकनीक जैसे कंप्यूटर प्रोजेक्टर आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। अनुवर्ग शिक्षण के माध्यम से छात्र अपनी रुचि एवं इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों में जाकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, यथापद्य शिक्षण किसी शिक्षक द्वारा अच्छे ढंग से कराया जाना। अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था वीडियो एवं ऑडियो किसी भी रूप में कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। अब अगला प्रश्न है कि स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस या डिजिटल ब्लैक बोर्ड किस प्रकार लाभप्रद है, इसको देखेंगे हम लोग। तो स्मार्ट कक्षा दोस्तों क्या है, इसको देखते हैं। स्मार्ट कक्षा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनोखी देन है। यह कक्षा है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में तथा शिक्षा शिक्षण के प्रसार मतलब प्रसार और प्रचार में अपना बहुमूल्य योगदान निभा रही है। यहाँ स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है, जहाँ शिक्षा प्रदान कराने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं आश्रम व्यय एवं समय की बचत का प्रमुख साधन है। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम है फोन, टेलीग्राफ, कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट। स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा तथा इच्छा अनुसार अपनी मतलब अपना रुचिकर विषय चुन लेता है। स्मार्ट कक्षाओं का अस्तित्व शिक्षा जगत में वर्ष 1930 में उत्तरी अमेरिका से प्रचलन में आया। विश्व में स्मार्ट कक्षाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिक खर्चीली व्यवस्था होने के कारण भारत में इस प्रकार की शिक्षा का कार्य एक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार की कक्षाओं से विद्यार्थी कंप्यूटर लैब में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे डिजिटल श्यामपट्ट या डिजिटल ब्लैक बोर्ड। तो डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से होता है जिस पर किसी मशीन यथा कंप्यूटर आदि के रूप में प्राय किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता युक्त होता है। इस विधि के माध्यम से किसी प्रकार की गणितीय सामग्री को डिजिटल श्यामपट्ट पर दिखाया जाता है तथा इस प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी सामग्री प्रदान कराने में प्रोजेक्टर का प्रयोग रुचिकर भी है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि स्मार्ट कक्षाओं का महत्व तथा उपयोगिता बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि देखिए रोजगार में संलग्न तथा रोजगार की ओर अग्रसर व्यक्ति छात्र या इस शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से अपने इच्छित विषय की शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बिंदु होगा कि यह शिक्षा जगत में अत्यंत लाभकारी साधन है, क्योंकि इसका प्रयोग में कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी तथ्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग इस समय हमारे फोन में देख रहे होंगे, अपने फोन में मतलब हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। तीसरा बिंदु, स्मार्ट कक्षा शिक्षण में विद्यालय हलचल से छुटकारा मिलता है तथा ऐसी कक्षाएं विशेष रुचिकर होती है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। चौथा बिंदु, इस प्रकार की कक्षाओं की उपयोगिता उन छात्रों को अधिक है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। पांचवा बिंदु दोस्तों, स्मार्ट कक्षाओं का व्यवहारिक महत्व है, ऐसी गोपनीय समस्याओं यथा यौन रोग, गर्भ निरोध आदि में अधिक है, जिनका ज्ञान प्राप्त करने में छात्र हिचकिचाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा के कार्यों का वर्णन करना है तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह शिक्षा विद्यार्थियों में समानता के प्रत्यय का विकास करती है। दूसरा बिंदु, यह शिक्षा समय अनुसार शैक्षिक तथा अनैच्छिक ज्ञान की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। तीसरा बिंदु, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नए शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। चौथा पॉइंट है, यह शिक्षा शिक्षार्थी को
के प्रवेश में सरलता से विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करती है। पांचवा बिंदु, यह वर्तमान शिक्षा की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। छठा बिंदु दोस्तों क्या है कि यह शिक्षा सबसे लचीला शैक्षिक अधिगम है, यह समय एवं स्थान तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि एजुस्टेट का परिचय देना है आपको। 2017 में 2 बार आ चुका है, 18 में 1 बार आया है एडुसेट। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। एजुसेट एक शैक्षिक मतलब शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को एक प्रभावी मतलब प्रभावशाली ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसका दूसरा नाम भी GSAT-3 भी है। ठीक है ना, इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यकर्ताओं का संबंध एजुकेशन से जोड़ना है, अर्थात एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करेंगे कि जो एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संस्थान विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्य प्रणाली को अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। तो शैक्षिक उपग्रह अपने देश में शैक्षिक सूचनाओं को प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम है जिसके द्वारा उपग्रह सेवाओं का विस्तार करके उसके शैक्षिक अनुप्रयोगों को सुनिश्चित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं पर टिप्पणी आपको करना है। ठीक है, तो प्रसार भारती द्वारा मुख्य रूप से अपने कार्य का प्रारंभ 23 नवंबर 1997 से किया जा रहा है। इसलिए इसकी स्थापना दिवस भी 23 नवंबर 1997 को ही माना जाता है। इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा तकनीकी विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए जाते हैं। प्रसार भारती सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के आधार पर की गई है। इस संस्था में दूरदर्शन तथा रेडियो की गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय उपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रसार भारती की तरह ही रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रमों को उद्देश्य निष्ठ बनाया गया है। आज दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। इसका लाभ वर्तमान में देश का प्रत्येक नागरिक उठा रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे इसको बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रसार भारती की सेवाएं, कुछ चीजें देख लेते हैं कि प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित शैक्षिक सेवाएं इस प्रकार है। पहले तो रेडियो सेवा हो गया, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन सेवा में दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्यों को स्पष्ट आपको करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को नवीन विचारों से अवगत कराना, दूसरा बालकों द्वारा प्राणी जीव जीवन तथा वन्य जीवन में रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों को लोकतंत्र की भावना का विकास करना, गांवों के विद्यार्थियों में विद्यालय के कार्यक्रम तथा क्रियाकलापों में रुचि बढ़ाना, पांचवा दोस्तों बिंदु होगा कि छात्रों में श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा ग्रहणशीलता विकसित करना, छठा बिंदु होगा कि शालाओं में छात्रों की प्रवेश संख्या तथा उपस्थिति बढ़ाना तथा विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करना, सातवां होगा विद्यार्थियों को वायु जल तथा ध्वनि को प्रदूषित करने वाले कारकों को समझाना। फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, लिखना है। तो इसके चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जाएगा माही में मतलब ऑन बॉडी इमेज इशू, दूसरा दोस्तों मॉडर्न फैमिली ऑन जनरेशन गैप, तीसरा दोस्तों होगा गुमराह ऑन सेफ्टी, चौथा दोस्तों होगा कम्युनिटी ऑन एडल्ट एजुकेशन, पांचवा होगा दोस्तों द बिग थ्योरी मतलब ऑन साइंस होगा, छठा होगा ब्रेकिंग बैड मतलब ऑन केमिस्ट्री, सातवां होगा दोस्तों कोड रेड मतलब ऑन रियल पैरानॉर्मल अकरेंस इन इंडिया, आठवां होगा KBC ऑन जनरल नॉलेज। तो दोस्तों आप ऐसे काफी हैं। फिर अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, वार्ता अनुप्रयोग के माध्यम से समस्या समाधान क्या है, समझाना है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं कि वर्तमान समय में वार्ता अनुप्रयोग की भी शिक्षा जगत में उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। प्राय छात्रों के मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं जिनका मतलब जिसका समाधान छात्र करना चाहता है। वह बोध स्तर तथा रुचि के अनुसार किसी विषय विशेष की समस्याओं का समाधान किसी खास विद्वान ठीक ना विद्वान व्यक्ति के विचारों के द्वारा ही करना चाहता है। इस प्रकार वह वार्ता का अनुप्रयोग करके या ईमेल भेजकर अपने मनचाहे विशेषज्ञों से बाल विवाह संबंधी समस्याओं की जानकारी कर सकता है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार की ईमेल एवं फेसबुक
खुली हुई है जो विविध विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है। छात्रों को वार्ता अनुप्रयोग एवं ईमेल का प्रयोग करके शंकाओं का समाधान करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही छात्र ईमेल आईडी एवं फेसबुक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा वह देश विदेश में मित्र, शिक्षक, विशेषज्ञ एवं शिक्षा साथियों के द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। देखिए, सामान्यतः आज शिक्षा जगत में वार्ता अनुप्रयोग के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। निष्कर्षतः वार्ता अनुप्रयोग की उपयोगिता को आज नकारा नहीं जा सकता है। फिर अगला प्रश्न क्या रहा, हमारा ईमेल के माध्यम से समस्या समाधान किस प्रकार किया जाता है, इसको आपको समझाना है। देखिए, ईमेल के माध्यम से समस्या समाधान का ज्ञान छात्रों के द्वारा आज शिक्षा जगत में विस्तृत रूप से किया जा रहा है। इन गतिविधियों को अधिगम क्षेत्र से जुड़े मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षक भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि ईमेल के माध्यम से अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। ईमेल के माध्यम से छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता को सिद्ध करना है या दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग को लिखना है। तो शैक्षिक दूरदर्शन छात्रों में सृजनात्मक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा छात्रों व अध्यापकों को उन शैक्षणिक बिंदुओं से संबंधित जानकारी भी सरलता से प्राप्त होती है जिसे प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई आती है। इस प्रकार शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता सिद्ध होती है। प्रसिद्ध विद्वान ब्राउन ने शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। जैसे दोस्तों देखिए, ब्राउन के अनुसार किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। इस साधन पर अधिक व्यय नहीं होता है। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता को हम लोग चलिए देखते हैं। पहले देखिए, पहला बिंदु होगा कि दूरदर्शन में छात्रों को देखने तथा सुनने की ज्ञान इंद्रियों का एक साथ उपयोग करना होता है। जो बातें अध्यापकों के मुख से सुना करते हैं उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखने पर वे ज्यादा समय तक विस्मरण नहीं करते हैं। इस प्रकार से छात्र छात्राओं का ज्ञान अधिक सुदृढ़ हो जाता है। दूसरा बिंदु दोस्तों, इस साधन से आकाशवाणी के सर्वोत्तम तत्वों तथा चलचित्रों की संख्या सम्मिलित होती है। तीसरा बिंदु, शैक्षिक दूरदर्शन वांछित सामाजिक सुधार और विकास के लिए सहायक है। चौथा बिंदु, छात्र छात्राओं के लिए दूरदर्शन आकर्षक का केंद्र है, अतः वे इसे अधिक समय तक देख सकते हैं। अधिक समय तक देखने से भी थकते नहीं है। पांचवा बिंदु का, चित्र देखने में छात्र की स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए वे दूरदर्शन का कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक देखते हैं तथा छात्रगण सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि ई बुक से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ई पुस्तक या इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तक के कागज की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा, बांटा या पढ़ा जा सकता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में होती हैं, जिसमें पीडीएफ सर्वाधिक प्रचलित फॉर्मेट है। जल्द ही पारंपरिक किताबें और पुस्तकालयों के स्थान पर सुप्रसिद्ध उपन्यासों और पुस्तकों के नए रूप जैसे ऑडियो पुस्तकें, मोबाइल, टेलीफोन पुस्तकें, ई पुस्तकें उपलब्ध होंगी। फिर दोस्तों बारी आती है ई बुक रीडर। ई पुस्तकों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे ई पुस्तक पाठक या ई बुक्स रीडर भी कहते हैं। पीडीएफ ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर तथा, ठीक है ना, सबसे दोस्तों जो आपने सुन रखा होगा एडोब रीडर ही सुन रखा होगा। तथा दोस्तों आपकी क्या है, फॉक्सिट रीडर नामक दो प्रसिद्ध पाठक हैं। इनमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का है। यह आकार में काफी बड़ा है तथा पुराने सिस्टमों पर काफी धीमा चलता है। फॉक्सिट रीडर इसका एक मुफ्त एवं हल्का पुस्तक, या मतलब जिसको कह सकते हैं हल्का फुल्का आपका विकल्प है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि ई लर्निंग क्या होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन किया जाता है, साथ ही शिक्षण संबंधी क्रिया भी प्रभावशाली होती है। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेब आधारित शिक्षण सामग्री, बहु माध्यम सीडी रोम, ईमेल, इंटरनेट, पाठ्य वस्तु अधिगम व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। ई अधिगम को निम्न विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया भी है। सबसे पहले देखते हैं टॉम कैली तथा सिस्को के अनुसार। ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाएं, छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट में करना है। तो ई पुस्तकालय क्या होता है? ई पुस्तकालय के अंतर्गत विविध प्रकार के साहित्य, श्रवणीय सामग्री, दृश्य सामग्री, प्रिंट चार्ट एवं मानचित्र आदि उपलब्ध होते हैं। इसमें सभी प्रकार की सामग्री
विविध विषयों पर उपलब्ध होती है। यदि कोई छात्र भूगोल से संबंधित जानकारी चाहता है तो उसे ई पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त हो सकती है। ई पुस्तकालय की सर्वोत्तम सुविधा उस रूप में मानी जाती है जब प्रत्येक छात्र के लिए इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं। ऑनलाइन पुस्तिकाओं के प्रमुख उद्देश्यों का हमें समझाना है, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से छात्रों को वर्तमान समय की तकनीक एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है। ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या नगण्य होती है। तीसरा क्वेश्चन बिंदु, विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्नों पत्रों को ऑनलाइन हल करने पर उसको इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि मुख्य परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होती है। हमारा चौथा दोस्तों विकल्प होगा कि ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। पांचवा, धन एवं समय की बचत होती है। छठा बिंदु, ऑनलाइन परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी सरल एवं पारदर्शी होती है। सातवां बिंदु, ऑनलाइन परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक युग की विश्व स्तरीय तकनीकी एवं परीक्षा प्रणाली से परिचित भी कराना है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है, रोजगार पोर्टलों को समझाना है। तो रोजगार प्राप्त करने मतलब कराने एवं रोजगार संबंधी पूछताछ प्राप्ति में Naukri.com सर्वाधिक प्रचलित वेबसाइट है। इसका प्रयोग वर्तमान समय में व्यापक रूप से किया जा रहा है। जैसे एक छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य खोजता है तो मेडिकल क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की रिक्तियों को इस वेबसाइट पर समय समय पर दिखाया जाता है तथा उसके लिए निर्धारित मानदंड एवं योग्यताओं को भी दिखाया जाता है। छात्र जब इन सभी योग्यताओं के अनुरूप अपने आप को पाता है तो उस रिक्ति के लिए आवेदन भेजता है। यदि अपनी योग्यता में कोई कमी पाता है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार Naukri.com के माध्यम से छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर लेता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता, आपको ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, विद्यालय प्रबंधन आज के समय में विकेंद्रीकृत रूप लेता जा रहा है, अतः प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन का प्रयोग अब बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। वर्तमान समय में संचार के माध्यमों के बगैर विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करना कुछ कठिन सा महसूस हो रहा है। आज शिक्षा जगत में विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उसके योगदान की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला दोस्तों बिंदु रहेगा कि छात्रों का संपूर्ण विकास, देखिए इसको आप बनाकर बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों बिंदु आएगा आपका शैक्षिक पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। फिर दोस्तों तीसरा बिंदु, शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक। देखिए, सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको बनाकर जितना अच्छा हो सके लिख लीजिएगा। मेन बात है आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा बिंदु आता है कि विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटाइजेशन की क्या आवश्यकता है, आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखिए 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो आज सरकारी कार्यक्रम तथा विकास योजनाएं आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती है। इस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता को निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए पहला दोस्तों जो बिंदु है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों के डिजिटाइजेशन से शैक्षिक सुविधाओं हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल संबंधी धनराशि लगेगी, इसका मतलब ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ यूनिफॉर्म वितरण में हेरा फेरी नहीं की जा सकती। चौथा बिंदु, आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के माध्यम से यूनिफॉर्म वितरण की भावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार के आंकड़ों से पारदर्शी योजना बनाई जा सकती है। पांचवा दोस्तों बिंदु होगा, ऐसी तकनीकी से अभिभावकों को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन निष्कर्षता, यूनिफॉर्म वितरण विषयक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाया जा सकता है। फिर आज का अगला प्रश्न हम देखेंगे कि परीक्षा विषयक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की क्या आवश्यकता होती है, इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है। देखिए, आज परीक्षा संबंधी आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र कक्षा 8 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, यह सूचना कुछ ही मिनटों में नेट से प्राप्त की जा सकती है। यह आंकड़ों के डिजिटाइजेशन का ही परिणाम है। वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था द्वारा आंकड़ों का डिजिटाइजेशन करके अपने विद्यालय के छात्रों की परीक्षा में सफलता का प्रदर्शन करना होता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशालिता ठीक न शीलता का प्रदर्शन करना भी होता है। अतः परीक्षा परिणामों का डिजिटाइजेशन विस्तृत रूप से हो रहा है। इसकी आवश्यकता को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु दोस्तों, जैसे परीक्षा विषय
आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के द्वारा छात्र छात्राएं स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। जिस परीक्षा विधि से छात्र छात्राएं अधिक अंक लाते हैं, ऐसी विधियों को ही छात्र छात्राएं अपनाते हैं। दूसरा बिंदु, इन आंकड़ों के द्वारा विद्यालयी पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियां तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। आज शिक्षा जगत में अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रचलन आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के आधार पर बढ़ता जा रहा है तथा छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। तीसरा दोस्तों, हमारा जो बिंदु होगा कि परीक्षा विषयक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन के द्वारा शिक्षण अधिगम संबंधी ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा परिणामों को उन्नत तथा सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। चौथा बिंदु हमारा कि परीक्षा विषय आंकड़ों के डिजिटाइजेशन से अभिभावक भी लाभान्वित हो रहे हैं। अभिभावक बालक बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान प्रदान करते हैं तथा इस विषय में विद्यालय प्रशासन को अपनी राय इंटरनेट के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास की आवश्यकता एवं महत्व को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा पहला बिंदु होगा कि डिजिटल प्रोजेक्ट के प्रयोग का प्रमुख जो हमारा मतलब प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को कंप्यूटर संबंधी उपयोग एवं इंटरनेट संबंधी उपयोग एवं जानकारी प्रदान करना है, जिससे छात्र नवीन तकनीकी एवं विज्ञान संबंधी तथ्यों को सरलता से समझ सकते। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या रहा कि डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से समय की बचत होती है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट को चित्र या चार्ट के माध्यम से तैयार करने में अधिक समय लगता है, जबकि कंप्यूटर के माध्यम से इसको सरलता से तैयार किया जा सकता है। डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करने में तथा उसको पुनः नवीन आकृति प्रदान करने में किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बिंदु दोस्तों, डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट का स्वरूप आकर्षक एवं प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें इंटरनेट के माध्यम से विविध प्रकार के चित्रों एवं वास्तविक गतिविधियों को डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। इसमें छात्र प्रोजेक्ट में अपनी इच्छा के अनुसार तब तक ठीक है कि उसको आकर्षक रूप प्रदान किया ना जा सके, ठीक है ना, मतलब काफी इसमें मेहनत कर सकते हैं। चौथा दोस्तों बिंदु होता है कि हमारे डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को प्रोजेक्ट में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि छात्र कंप्यूटर में लोड सॉफ्टवेयर की सहायता से रंग रूप एवं आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा बिंदु, डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को विविध प्रकार के डिजिटल प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयरों का ज्ञान भी हो जाता है, जिसके आधार पर छात्र अपने प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट का विकास करते हैं। छठा बिंदु, छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट निर्मित करने का कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि डाटा माइनिंग क्या है, निर्णयन में इसकी क्या भूमिका होती है। विद्यालय प्रशासन में सर्वोत्तम प्रशासन व्यवस्था के संचालन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक संघ द्वारा किसी विषय पर समस्या पर निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का खनन करना ही डाटा माइनिंग या डाटा का खनन कहलाता है, ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों के खनन से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उनकी सहायता से मतलब ठीक है ना, सहायता से लिए गए निर्णयों को प्रभावी निर्णय कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संचालित करने में कंप्यूटर की भी मुख्य भूमिका होती है। कंप्यूटर में यह भी एक सुविधा रहती है कि उपलब्ध आंकड़ों को एक साथ कम समय में खोजने के लिए डाटा माइनिंग की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यालय के 1,000 बच्चों के आंकड़ों में हमें यह जानना चाहते हैं कि गणित विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए हैं या फेल हुए हैं, या फिर अधिकांश छात्र किस विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो डाटा माइनिंग की जा सकती है, ठीक है ना। तो प्रभावी निर्णय लेने में डाटा माइनिंग की आवश्यकता हम देखते हैं। आज प्रभावी निर्णय लेने में डाटा माइनिंग की प्रक्रिया विद्यालय प्रशासन के लिए अति आवश्यक है। आज इस प्रकार के आंकड़े जितने विश्वसनीय एवं वैध होंगे, निर्णय भी उतना ही उच्च कोटि का प्राप्त होगा। प्रत्येक विद्यालय में डाटा माइनिंग की व्यवस्था डिजिटल रूप से मतलब में की जा रही है। इसी प्रकार सरकार भी विकास संबंधी कार्यों को आंकड़ों के आधार पर ही नियोजित करती है। आज विद्यालय संबंधी आंकड़ों की डाटा माइनिंग संचालन एवं सर्वोत्तम प्रबंधन हेतु की जा रही है। अगला प्रश्न हमारा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी युक्तियों से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये ना तो देखे ही जा सकते हैं, ना ही इन्हें छुआ जा सकता है। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विधिवत एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर की उपयोगिता क्या है, इसको बताना है आपको। तो देखिए, इसकी उपयोगिता को देखते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर की विविध प्रक्रियाओं की प्रोग्रामिंग की जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर को वर्किंग में लाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर में ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर भाषा संसाधक एक प्रोग्राम है जो कि भाषा में अनुदेश स्वीकार करके अन्य भाषाओं में उसके समतुल्य अनुदेश तैयार करता है। चौथा बिंदु,
किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के उचित संचालन के लिए सॉफ्टवेयर की विशेष उपयोगिता होती है। पांचवा बिंदु, सॉफ्टवेयर में अनेकों प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है, यथा जावा, सी, यास आदि। छठा बिंदु, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो कि डाटा संसाधन एवं कंप्यूटर सिस्टम प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसे कंप्यूटर की भाषा में आश्रय देना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड क्या है, इसमें क्या कार्य कर सकते हैं, आपको ये बताना है। किसी भी कार्यालय का कार्य अपने प्रतिष्ठान या कंपनी में होने वाले कार्यों की व्यवस्था करना और उनकी प्रगति पर नजर रखना होता है। इसके लिए उस कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, वर्गीकरण और रख रखाव किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर वर्तमान और भविष्य के बारे में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं और योजनाएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार कोई कार्यालय, चाहे सरकारी हो अथवा निजी, अपने संस्थान या प्रतिष्ठान का केंद्र बिंदु होता है। ऑफिस कार्यकलापों में एमएस वर्ड का प्रमुख प्रयोग निम्न प्रकार है। पहला, दोस्तों पत्र तैयार करने में, दूसरा कर्मचारियों के लिए सामूहिक रूप से कोई सूचना देने के लिए वर्ड में तैयार कर, ठीक है ना, वर्ड में तैयार करके उसके प्रिंट निकालकर नोटिस बोर्ड पर लगाने में। तीसरा बिंदु, किसी भी नए कर्मचारी को नियुक्ति करने के लिए प्रस्तावित पत्र देने में। चौथा, कर्मचारी के रिकॉर्ड रखने में, ठीक है। पांचवा बिंदु, कार्य के प्रगति को उपयुक्त तरीके से एनालाइज करने में। छठा बिंदु, किसी भी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से निम्न स्तर के कर्मचारी से पत्र के द्वारा कम्युनिकेट करने में। अगला प्रश्न हमारा कि एमएस एक्सेल क्या है, तो दोस्त इसका उत्तर हम कैसे करेंगे। एमएस एक्सेल एक बहुत लोकप्रिय स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह एमएस ऑफिस का पैकेज का व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना, तथा उसे एनालाइज कर सकते हैं। एक्सेल की सहायता से हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं, सुंदर ग्राफ बना सकते हैं तथा विभिन्न कार्यों की सहायता से अपने डेटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का प्रोग्राम, ठीक है ना, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है ना, को बैलेंस करने, रिपोर्ट बनाने, फार्मूला बनाने आदि में होता है। एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन हमारे एमएस एक्सेल 2003 में डॉट एक्सएलएस हुआ, एमएस एक्सेल 2007 में डॉट एक्सएलएस होता है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में क्या करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में आपके, चलिए देखते हैं पावर पॉइंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन की बेहतर तैयारी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, काफी जगह पीपीटी आपने सुना होगा ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा बिंदु हमारा क्या है, मुख्य बिंदुओं को विजुअली शो किया जा सकता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, घबराहट नहीं होती है। चौथा बिंदु, अलग अलग उद्देश्यों के प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स की सुविधा होती है, आसानी से इमेज व ग्राफ शो किया जा सकता है। हाइपरलिंक की सहायता से विभिन्न प्रकार की फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल्स के सिक्योरिटी व पासवर्ड की सुविधा होती है। विभिन्न ट्रांजिशन व एनिमेशन की सहायता से प्रेजेंटेशन को सुंदर व आकर्षक बनाने की सुविधा आदि होती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के माइक्रोसॉफ्ट सूट का एक अंग माना जाता है। बाजार में इसके पृथक रूप से बेचा जाता है। इसका प्रयोग डाटा के प्रस्तुतिकरण एवं संग्रहण में किया जाता है। इसमें विभिन्न वर्जन बाजार में उपलब्ध है, ठीक है ना, यथा वर्जन 2007, 2010, वर्जन 2013 आदि। वर्जन 2013 का वर्जन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आसानी से संचालित किया जाता है। इनका उपयोग ऑफिस कार्यों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं। देखिए पुराने समय में विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति के लिए डाक या कुरियर सेवा का सहारा लेना पड़ता है था, जबकि आज के समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सहयोग से यह कार्य बहुत कम समय में एवं मित व्ययिता के साथ पूरा हो ऐसा संभव हो चुका है। इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ईमेल। इंटरनेट की सहायता व ईमेल के माध्यम से हम कुछ भी, मतलब कुछ ही समय में अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं एवं उत्तर भी उसी तरह से ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए संस्था का ईमेल हमें पता होना आवश्यक है, ठीक है ना। रेडमी तो जीमेल हो गया, याहू हो गया, दोस्तों आजकल जीमेल तो ज्यादा चलता है आपको पता होगा, आदि अनेक माध्यम से इसके द्वारा ईमेल पता बनाकर, ठीक है ना, बना करके सरलता से पत्र व्यवहार किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी फाइलों, चित्रों एवं अन्य सूचनाओं को भेज सकते हैं। अभिभावक भी विद्यालय के संपर्क में रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ईमेल की सुविधा ने पत्र व्यवहार को अत्यंत सरल बना दिया है। कार्यालय के कार्य को इस सुविधा ने सरल एवं प्रभावी बना दिया है।
फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है तीन अथवा इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किए जाने वाले परस्पर संवाद से है। टेली का आशय दूर स्थान से है और कॉन्फ्रेंसिंग का आशय संवाद, बातचीत अथवा संचार से है। इस प्रकार टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है दूरस्थ संवाद अथवा दूरस्थ संचार, ठीक है ना। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में दो या दो से अधिक प्रतिभागी होते हैं। इन प्रतिभागियों का किसी एक स्थान पर होना आवश्यक नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं, परंतु नेटवर्क से अवश्य जुड़े होने चाहिए। भले ही नेटवर्क टेलीफोन लाइंस का हो अथवा इंटरनेट का, सन 1960 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोन ने अपनी, ठीक ना, पिक्चर फोन डिवाइस के माध्यम से सबसे पहले टेली कॉन्फ्रेंसिंग की थी। अगला प्रश्न है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आ भी चुका है। आज शिक्षा जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। अधिगम के क्षेत्र में अधिगम करता के प्रभाव का प्रत्यक्षीकरण आसानी से किया जा सकता है। इस माध्यम के द्वारा गणितीय अवधारणाओं में, विशेषकर सांख्यिकी क्षेत्र में, शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी तथा सफलतम बनाया जा रहा है। जिस प्रकार शिक्षण में कक्षा शिक्षण का महत्व है, उसी प्रकार आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम टेलीफोन के द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसकी उपयोगिता बतानी है आपको। तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता है। इसका प्रयोग विशेषता किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक भागीदार के कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन, स्पीकर और एक वीडियो कैमरा संबद्ध होता है, ठीक है ना। जैसे ही दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो माइक्रोफोन में बोली गई उनकी बात नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों तथा उनके कंप्यूटर से संबद्ध स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है, और उनकी जीवन छवि भी नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटर को परस्पर जोड़ना होता है, पहला उद्देश्य। आंकड़ों का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान करना होता है। तीसरा, एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। चौथा, किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस्ड आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। पांचवा, सहकारी प्रतिक्रियाओं हेतु दो या दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। छठा बिंदु है कि विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। सातवां बिंदु है कि विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना व क्रियान्वयन करना। आठवां बिंदु है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संस्था के शाखा या विभागीय नेटवर्क को एकीकृत कर संचालित करना। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं कि डिजिटलीकरण क्या है। देखिए, इस प्रक्रिया के संचालन में इंटरनेट की भूमिका प्रमुख होती है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी सूचना संबंधी आंकड़ों को देख सकता है, अर्थात उनमें पारदर्शिता का गुण आ जाता है, तो इसे डिजिटलीकरण कहा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कि कार्यालय कार्य कारिणी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन करिए। तो चलिए इसके गुणों को हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं गुण क्या है। किसी संगठन को अक्सर प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर सूचना की गति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बुनियादी दूर संचार ढांचे की परंपरागत तकनीकों को अपनाना सबसे सरल विकल्प है। दूसरा दोस्तों बिंदु, जैसे आपके संगठन का आकार बढ़ता जाता है, आप EPBX अथवा आंतरिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की सोच सकते हैं। तीसरा बिंदु, जैसे जैसे संचार का परिमाण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप कम महंगी तकनीकों जैसे, ठीक है ना, 22 ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अपनाने की सोच सकते हैं। अनुभव से पता चलता है कि इस तकनीकी का प्रयोग दूर संचार की लागत परंपरागत फोन, ठीक है ना, लाइन की तुलना में 15 से 45% कम हो जाती है। चौथा बिंदु हमारा क्या कि संचार की गति बढ़ाने के साथ साथ निर्णय प्रक्रिया की गति भी बढ़ाई जानी चाहिए। यह काम कंप्यूटिंग सुविधा का लाभ उठाकर हो सकता है। एक बार संगठन में समस्त कंप्यूटिंग ढांचा स्थापित हो जाने पर
आप लैन या वैन के माध्यम से नेटवर्क, ठीक है ना, कनेक्टिविटी स्थापित करने की सोच सकते हैं। फिर दोस्तों पांचवा बिंदु हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब इसके प्रयोग से संचार को और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे दोस्तों आप काफी पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, ऑफिस में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको देखते हैं। देखिए किसी संस्था का कार्यालय संस्था के हृदय के समान होता है, सभी क्रियाकलापों, ठीक है ना, से संबंधित अभिलेख कार्यालय में ही रहते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रशासन द्वारा कार्यालय से संबंधित आंकड़ों या अभिलेख मांगे जाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कार्यालय में अभिलेखों का रख रखाव वह अभिलेखीकरण उचित ढंग से हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या आईसीटी की सहायता से विभिन्न जानकारी को कंप्यूटर में उचित ढंग से सुरक्षित किया जाता है और हार्ड कॉपी के साथ साथ सूचनाओं को सॉफ्ट कॉपी में भी रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी आदि। इसके लिए विभिन्न ऑफिस पैकेज जैसे एमएस ऑफिस टूल्स, इसकी सहायता से विभिन्न अभिलेखों को आवश्यकता अनुसार फाइल्स एवं फोल्डर्स में रखते हैं। साथ ही इन्हें उचित जगह पर सेव करके रखा जाता है। संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर कोड द्वारा लॉक किया जा सकता है जिससे कोई अन्य सूचनाओं को प्रभावित ना कर सके। कंप्यूटर को उचित रख रखाव की आवश्यकता है, अन्यथा कंप्यूटर खराब होने या फॉर्मेट होने की स्थिति में सूचनाएं नष्ट हो सकती हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम आपको लिखना है। तो देखिए मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए बहुत के लिए मतलब आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर देखेंगे। पहला दोस्तों आपका आता है नंबर 1 पर आएगा ग्राफिक एक्सेलेटर कार्ड, दूसरा दोस्तों सीडी रोम ड्राइव, तीसरा माइक्रोफोन तथा कैमरा, चौथा आपका साउंड कार्ड है, पांचवा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से। पहला हो गया शब्द, हो गया चित्र, चलचित्र और एनिमेशन। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि सीडी रोम से आपका क्या सही ये बताना है। देखिए सीडी रोम, इस डिस्क का आकार आपका 650 MB है। इसका उपयोग संगीत, ठीक ना, सीडी के रूप में किया जाता है। इस सीडी के माध्यम से सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाते हैं। इसके माध्यम से आंकड़े, संगीत एवं सॉफ्टवेयर को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग वीडियो प्लेयर के रूप द्वारा भी किया जाता है। फिर आज का हम अंतिम प्रश्न दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में कि शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी आपको लिखनी है। शिकायत पोर्टल, देखिए शिकायत पोर्टल द्वारा किसी भी संस्था या सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाने वाले समूह के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। आज का उपभोक्ता भी लाइन में नहीं लगना चाहता है, वह घर बैठे ही अपने समय के अनुसार समस्याओं का समाधान चाहता है। इसलिए वर्तमान समय में शिकायत पोर्टल से संबंधित वेबसाइटों का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इससे समय की बचत भी होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त जैसे आप हो चुकी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो सीरीज के आपको पार्ट 1 को देखना चाहिए जिसमें आपको सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। पार्ट 2 दोस्तों देखेंगे तो आपको सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो जल्दी से देखिए और पेपर में अच्छे नंबर लाइए। गणित की दोस्तों तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को पेपर के लिए।